नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर क्या हमें पूरे 4 लाख रुपए का लाभ मिलेगा या सिर्फ हमें सिर्फ 2 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। दोस्तों आप में से बहुत से लोग, हमसे ज्यादातर लोग यही सवाल करते हैं कि क्या हमें इन दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ मिल पाएगा, क्या हमें 4 लाख रुपए मिल पाएंगे या सिर्फ हमें दोनों में से किसी एक योजना के सिर्फ 2 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि की जो बारीकियां हैं वो आप समझ सकें, क्योंकि यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहां पर आपको क्लियर करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको हमने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दो अलग अलग बीमा योजना है और इसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल आपको पहले भी हमारे वीडियोज में दी है। तो दोस्तों यहां पर आपका सवाल ये उठता है कि मान लीजिए आपने दोनों स्कीमों के अंदर आवेदन कर रखा है या दोनों स्कीमें आपने अगर ली हुई हैं और अभी कुछ मिस, अगर कभी कुछ मिस हैपनिंग होती है तो क्या आपको उसके अंदर दोनों ही स्कीमों का लाभ मिलेगा या सिर्फ सिर्फ 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो यहां पर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो है नेचुरल डेथ वालों के लिए और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो है एक्सीडेंटल डेथ के लिए, यानी कि दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो। तो दोस्तों अब यहां पर बात आती है क्लेम की कि किस तरह से यहां पर आपको 4 लाख मिलेंगे या 2 लाख मिलेंगे, जो आप सभी के मन में डाउट रहता है। तो यहां पर आपको जो समझने वाली चीज है वो ये है, मान लीजिए किसी बीमा धारक की नेचुरल डेथ हो जाती है और उन्होंने दोनों स्कीमें ली हुई हैं तो आपको यहाँ पर दोनों ही स्कीमों के अंदर अलग अलग क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो तरह की स्कीम है, जैसे कि नेचुरल वाली जीवन ज्योति बीमा और दूसरी सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना वालों के लिए। तो आपको दोनों ही स्कीमों के अंदर अलग अलग क्लेम करने के लिए जाना पड़ेगा। तो नेचुरल डेथ अगर है तो जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर तो वो क्लेम आपका पास हो जाएगा, यानी कि 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप जब सुरक्षा बीमा योजना के अंदर जब आप क्लेम करने के लिए जाएंगे तब आपको यहाँ पर दिक्कतें होगी और यहाँ पर आपका क्लेम पास नहीं होगा, क्योंकि वो दुर्घटना बीमा योजना है दुर्घटना वालों के लिए, यानी कि दुर्घटना की अवस्था में अगर मृत्यु होती है तो उसका क्लेम आपका पास हो पाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए नेचुरल डेथ है तो सिर्फ 2 लाख रुपए का ही यहाँ पर आपके नॉमिनी को लाभ मिलेगा या उनके परिवार वालों को लाभ मिलेगा, अगर नेचुरल डेथ किसी की होती है तो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मान लीजिए किसी बीमा धारक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर उनको कितना लाभ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको दोनों ही स्कीमों के अंदर अलग अलग क्लेम करने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो एक पॉइंट है वो ये है कि जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर ये क्लियर लिखा गया है कि किसी भी अवस्था में मृत्यु होने के बाद 2 लाख रुपए का जो लाभ है उनके नॉमिनी को दिया जाएगा। यानी कि जब आप सुरक्षा बीमा योजना के अंदर क्लेम करेंगे तो वहां पर तो दुर्घटना की अवस्था में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए आपको मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ आप जब जीवन ज्योति बीमा योजना का जब क्लेम करेंगे तो वहां पर भी आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे दुर्घटना की अवस्था में मृत्यु होने के बाद। यानी कि अगर किसी बीमा धारक की मृत्यु अगर दुर्घटना में होती है तो आपको 4 लाख रुपए पूरे मिलेंगे, लेकिन अगर किसी की नेचुरल डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को सिर्फ 2 लाख रुपए का लाभ ही मिल पाएगा। तो दोस्तों ये थे वो कुछ डाउट्स जो आपके मन में हमेशा रहते थे और आप हमसे लगातार पूछते थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको लगातार मिलती